दिल्ली और एनसीआर में आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से ऊपर गया है, इसीलिए प्रदूषण वेरी पुअर इस कैटेगरी में आया है और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रदूषण से होने वाले विषैले दुष्परिणाम जो शरीर पे होते हैं, उससे सर्दी खांसी जुकाम और कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आयुर्वेद में वर्णित जीवनचर्या को अपनाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले नस्य जो नेजल एडमिनिस्ट्रेशन है, अणु तेल या घर के कोई भी तेल है, तिल तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, इसी तेल को सुबह और शाम या बाहर जाने से पहले उंगली से नथुनों को लगाया, दोनों नॉस्ट्रिल्स में लगाया तो एक फिल्म बन जाती है और विषैले दुष्परिणाम की हवा या धूल या धूल ये कोई भी अंदर जाने से रोकथाम होती है। ये बहुत सरल उपचार है, जैसे डबल मास्किंग होता है, मास्क पहने लेकिन अणु तेल या कोई भी तेल से नस्य करें। दूसरा एक बहुत प्रभावी उपचार ये है, जैसे नाक से विषैली हवा अंदर जाती है, वैसे गले से भी हम रोकथाम कर सकते हैं। बाहर जाने से पहले या बाद में अगर हल्दी, नमक या त्रिफला या गर्म पानी से अगर गरारे करें तो कोई भी बाहर से जो विषैले हवा का अंदर गए जाते हैं उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा रोग प्रतिबंधात्मक क्षमता बनाने के लिए ताज़ा खानपान, समतोल खानपान, समय पे खाना ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अच्छी दिनचर्या में घर में ही योगासन या अन्य व्यायाम 45 मिनट्स के लिए करना ये भी बहुत ज़रूरी है। समय पे खाना, समय पे सोना, इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखती है और आयुर्वेद में जो कहे गए इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, च्यवनप्राश आज के मौसम में हम रोज़ ले सकते हैं। ऐसे ही तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, मुलेठी, ऐसे ही जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स है उनसे बनी आयुर्वेदिक चाय या काढ़ा, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में यह कहा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम आज से ही इसका इस्तेमाल हमारे जीवनचर्या में करें तो हम इस पोल्यूशन से अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।